राजधानी भोपाल के करोंद चौराहे पर एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में भीषण आग लग गई। इसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्कूल भी है। जब आग लगी तब स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे थे। आग ऊपर तक नहीं फैली और धुएं से तबीयत नहीं बिगड़ी, इसलिए बच्चों को छत पर भेजकर बचाया गया। इससे वे सुरक्षित बच गए। हालांकि धुएं की वजह से फायर फाइटर की हालत बिगड़ गई और हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। करोंद चौराहे पर प्रॉपर्टी डीलर गोपाल जाट का ऑफिस है जहाँ आग लगी। तुरंत गांधीनगर फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तब तक ऑफिस के फर्नीचर समेत अन्य सामान पूरी तरह से जल चुका था। फायर फाइटर पंकज यादव ने बताया कि आग बुझाने में 1 घंटा लगा। आग के साथ तेजी से धुआं निकल रहा था, इससे दूसरी मंजिल पर पढ़ रहे बच्चों को छत पर भेजा गया। फायर फाइटर यादव ने बताया कि आग लगने के बाद पूरी बिल्डिंग धुएं से घिर गई, क्योंकि बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर चढ़ने का एक ही रास्ता था, इसलिए बच्चों को नीचे ना उतारते हुए छत पर भेजा गया ताकि उन्हें परेशानी ना हो। जब आग पूरी तरह से बुझ गई तब बच्चों को उतारा गया। आग भी दुकान तक ही सीमित थी, ब्लास्ट होने से चांस नहीं थे, इसलिए बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। धुएं की वजह से फायर फाइटर यादव की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, इसलिए पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यादव ने बताया कि अब हालत ठीक है लेकिन हाथ पैरों में कंपी हो रही है। जिस जगह आग लगी थी उससे सट कर भीम सिंह की दुकान है। सुबह जब वे दुकान पर पहुंचे तो उन्हें बदबू आई और धुआं निकलते देखा। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। भीम सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, फायर ब्रिगेड देरी से पहुंची, इसलिए आसपास के लोग ही पानी लेकर आग को काबू करने लगे। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।